हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ महान में। आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत कैसे निकाला जाता है इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है, स्किप करके नहीं देखना है, यानी छोड़ छोड़ करके नहीं देखना है। अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना आसान तरीके से सीख जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक की। 50 रुपये का 5% कितना होगा? तो आपको 50 रुपये का 5% निकालना है, तो क्या करेंगे, 50 लिखेंगे और का मतलब गुणा लगाएंगे, ठीक है। और 5% लिखा हुआ तो हम 5 लिखेंगे और प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। जहां पर भी प्रतिशत होगा उसके बटे में हम क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब क्या करेंगे, 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 5/2। अब देखिए हम 2 से भाग करेंगे 5 में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा कितना, 1, 1 बचा तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 10। अब क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 10 में कितने बार पड़ेंगे, 5 बार, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2.5 रुपया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 400 रुपये का 9% कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, 400 लिखेंगे, का मतलब गुणा लगाएंगे, 9 लिखेंगे और प्रतिशत की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 9 की गुणा कर देंगे, 4 9 36 होता है, तो 36 रुपया हो जाएगा इसका आंसर, समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 39 रुपये का 10% कितना होगा? तो हम क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, 39 लिखेंगे और का की जगह पे गुणा लगाएंगे और 10% लिखा हुआ है, हम 10 लिखेंगे और प्रतिशत की जगह बटे में 100 लिखेंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, 39/10। तो प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, किसी भी संख्या में अगर 10 से भाग करनी हो तो पीछे से एक अंक पे हम क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं, तो 3.9 रुपया, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए किसी भी संख्या में अगर 10 का भाग करना है तो आपको पीछे से एक अंक पे दशमलव लगाना होगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3.9 रुपया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 27 रुपये का 7% कितना होगा? 27 रुपये का 7% कितना होगा ये आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे, 27 लिखेंगे और गुणे लगाएंगे, ठीक है, का की जगह पे, और 7 लिखेंगे और प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे। अब देखिए इसमें कोई संख्या कटने वाली तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले 27 में गुणा कर देंगे 7 की, ठीक है, तो 7 की गुणा 7 में करेंगे, 49 आ जाएगा, 49 का 9 लिखेंगे, हासिल 4 बच जाएगा और 7 दूनी 14 होता है, 14 और 4 18 आ जाएगा, 18 लिख देंगे और बटे में कितना है, 100 लिखा हुआ है। देखिए अगर किसी भी संख्या को 100 से भाग करना हो, हम 10 से भाग किए थे तो एक अंक के बाद पॉइंट लगाए थे, और अगर हम 100 से भाग कर रहे हैं किसी भी संख्या को तो हम 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी यहां पे, ठीक है, कहां पे लगा देंगे, यहां पे, तो क्या लिख देंगे, 1.89 रुपया, ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। 256 रुपये का 25% कितना होगा? ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या करना है, 256 लिखना है और गुणे, का मतलब गुणे, 25 लिखना है और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या करेंगे, 100 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 5 से इसको काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 25, 5 2 10, 5 0 0, फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, कितना आ जाएगा, देखिए इसको लिखेंगे, 256/4। अब हम क्या करेंगे, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4,
चार छः 24, बचा कितना एक, ये हो जाएगा 16, चार छक्कू 16, तो कितना आ जाएगा 64 रुपया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 157 रुपये का 20% कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 157 लिखेंगे, का मतलब गुणा 20% लिखा हुआ है, 20 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, दो से काट लें, या अगर दो से आप नहीं काटना चाहते हैं तो दो से इसमें गुणा कर दीजिए, फिर 10 से भाग कर दीजिए, ये और भी आसान होगा। तो देखिए, दो से इसमें गुणा कर देते हैं, 2 × 7 = 14 हासिल बचा 1, 2 × 5 = 10, 1 × 11 = 1 हासिल बचा 1, 2 × 1 = 2 और 1 = 3 बटे 10। और हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या को अगर 10 से भाग करना है तो पीछे से आपको एक दशमलव लगा देना है, यानी एक अंक पे दशमलव लगा देना है, तो कितना आ जाएगा 3 × 1 यानी 31.4 रुपया, ये आंसर हो जाएगा 31.4 रुपया। क्या हमने आपको बताया, कोई भी संख्या लिखी है उसको अगर 10 से भाग कर रहे हैं तो हमें पीछे से एक अंक पे दशमलव लगा देना है, और अगर हम 100 से भाग कर रहे होते तो 2 पे लगा देते। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 238 रुपये का 8% कितना होगा, तो हमें क्या करना है प्यारे दोस्तों, 238 लिखना है, का मतलब गुणा लगाना है, 8 लिखना है, प्रतिशत लिखा हुआ है तो बटे में हम क्या करेंगे, 100 लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको काटना नहीं है, पहले हम इसमें गुणा कर लेंगे फिर हम 100 से भाग कर देंगे, ये आसान रहेगा। ठीक है, तो 8 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 × 64 होता है, 64 का हम 4 लिखेंगे, हासिल बचेगा 6, 8 × 24 और 6 होता है 30, 30 का 0 हो जाएगा, हासिल 3 बचेगा, 8 × 2 = 16 और 3 × 19 होता है, 19 लिख देंगे। ठीक है, और बटे में 100 लिखा हुआ है। किसी भी संख्या को अगर आप 100 से भाग करेंगे तो पीछे से आपको 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है, 1, 2, यानी यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, तो कितना आ जाएगा, 19.04 रुपया, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, 579 रुपये का 25% कितना होगा, तो प्यारे दोस्तों क्या करना है, 579 रुपया लिखना है, गुणा लगाना है, 25 लिखना है, प्रतिशत लिखा हुआ है तो मैं प्रतिशत हटा के बटे में 100 लिखना है, 25 से काट देंगे, 25 × 1 = 25, 25 × 100। अब क्या करेंगे, 4 से काट देंगे। ठीक है, 4 × 4 = 4, बचा कितना 1 हो गया 17, 4 × 16 बचा कितना 1 हो गया 19, फिर 4 × 16 बचा 3, अब दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, 4 का पारा 30 में कितने बार पढ़ेंगे, 7 बार, 4 × 7 = 28, बचा 2, 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 4 × 5 = 20, कितना आ जाएगा, 144.75 रुपया, ये आंसर हो गया। अगर दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।